हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TES एग्री एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता के था कि कुछ दिनों मतलब कल परसों में जो होली के पर्व में हमने आपकी क्लास से ना नहीं ले पाए हैं, तो उसके लिए थोड़ी क्षमा चाह रहा हूँ यार। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके बारे में मिलकर के हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने जो हमने नोट्स तैयार किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों, किसे हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, वो करते हैं राइजोबियम को। ओके, राइजोबियम को, राइजोबियम को हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एजोक्टोबैक्टर जीवाणु मृदा में स्थिर करते हैं। क्या स्थिर करते हैं दोस्तों? वो करते हैं नाइट्रोजन को। ओके, नाइट्रोजन को यानी कि N2 स्थिर करते हैं एजोक्टोबैक्टर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, किया जाता है? वो उसका किया जाता है परजीवों का। ओके, परजीवों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि सबसे बड़ा जीवाणु है, सबसे बड़ा जीवाणु दोस्तों कौन सा है? तो वो है स्पायरल्स, स्पायरल्स जो है हमारा सबसे बड़ा जीवाणु है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बैक्टीरिया को पौधा माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्त होती है, यानी कि इसमें कठोर कोशिका भित्त होती है, इसके कारण इसे पौधा माना गया है, यानी कि बैक्टीरिया को। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है इसमें कि जीवाणु में रूपांतरण प्रकृति सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रदर्शित हुआ? किसके द्वारा प्रदर्शित हुआ दोस्तों? वो हुआ है ग्रिफिथ के द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा। ओके दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में अभाव होता है, जीवाणु दोस्तों किसका अभाव होता है? वो होता है अंतःप्रदब्ध जालिका का, जीवाणु में अभाव होता है अंतःप्रदब्ध जालिका का। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामान्यता जीवाणु में प्रजनन होता है। तो दोस्तों, जो सामान्यतः जीवाणु में प्रजनन होता है वो होता है द्विभाजन द्वारा। ओके, द्विभाजन द्वारा जीवाणु में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सूक्ष्म जीवों को कृत्रिम माध्यम में उगाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कल्टीवेशन, वो कहलाता है कल्टीवेशन। ओके, कल्टीवेशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि जीवाणु होते हैं, जीवाणु कैसे होते हैं दोस्तों? जो जीवाणु होते हैं वो सुपोषी तथा परपोषी दोनों तरीके के जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या है दोस्तों? बैक्टीरियोफेज जो है वो एक विषाणु है, बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है PPPVR322 है, क्या है दोस्तों? प्लाज्मिड बैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि बायो ग्रोकेमिकल साइकिल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है खनिजीकरण, यानी कार्बनिक का अकार्बनिक में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। दोस्तों, आप सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत ही सटीक हैं आपके आने वाले एग्जाम के नज़रिए से। क्वेश्चन है कि अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है नाइट्रीकरण। ओके, अमोनिया का ऑक्साइड में मतलब अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नाइट्राइड NaOH2 का नाइट्राइड NO3 में ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी नाइट्राइड का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? निम्न में से किसी सूक्ष्म जीवाणु द्वारा किया जाता है, यानी जो ये नाइट्राइड है, ये जो नाइट्राइड को नाइट्राइड में बदलने वाला जो जीवाणु, उसका नाम हमसे पूछा गया है। वो दोस्तों कुछ जो जीवाणु इसमें कार्य करते हैं वो करते हैं नाइट्रोबैक्टर। ओके, नाइट्रोबैक्टर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दिया गया है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, यानी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है किसके द्वारा होता है? दोस्तों, होता है राइजोबियम के द्वारा। ओके, राइजोबियम के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से हैं। सामान्यता दिया है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? तो वह हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
नेक्स्ट है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो दोस्तों वो है लुइस पाश्चर। ओके, लुइस पाश्चर यानी कि एंटोनी वान लुवेनहाक जो है वो प्रथम थे, और जो मॉडर्न जो है न्यू वो है लुइस पाश्चर। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि किस जीव समूह को सूक्ष्म जीव समूह के रूप में जाना जाता है। तो किन को जाना जाता है दोस्तों, एल्गी हुआ, फंजाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजुआ हुआ और वायरस। ओके, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ तथा वायरस, इनको सूक्ष्म जीव के समूह में माना जाता है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एंटोबायोटिक मुख्य रूप से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों, वो फंजाई से यानी कि एल्गी से प्राप्त होता है। एंटोबायोटिक जो दवा प्राप्त की जाती है वो फंजाई से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो एंटीबायोटिक है वो किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। एंटीबायोटिक किस रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, वो होता है बैक्टीरियोसाइट्स। ओके, बैक्टीरियोसाइट्स के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि सबसे छोटा कोशिकीय जीव है, तो दोस्तों कौन सा है, वो है वायरस। ओके, वायरस जो है, वायरस VIRUS, वायरस जो है ना हमारा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। ओके, सबसे छोटा जीव जो है वो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है यानी कि प्रोबायोटिक्स क्या है दोस्तों, सजीव सूक्ष्म जीव तथा भोजन पूरक। सजीव सूक्ष्म जीव तथा भोजन पूरक, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोबायोटिक्स। ओके, प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं, यानी सजीव निर्जीव तथा भोजन पूरक को हम लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि BOD में से क्या अभिप्राय है, यानी BOD से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो उससे है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से, यानी इसका जो फुल फॉर्म हुआ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की BOD को बढ़ाता है, यानी जल की BOD को कौन बढ़ाता है दोस्तों, वो बढ़ाता है शुगर मिल के अपशिष्ट। ओके, शुगर मिल के अपशिष्ट जल की BOD को बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि फादर ऑफ इंडियन माइक्रोबायोलॉजी, तो दोस्तों ये है ईजे वटलर। ओके, ईजे वटलर फादर ऑफ इंडियन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। ये कुछ क्वेश्चन जो हमारे सेल्स से क्वेश्चन है कोशिका से, वो क्वेश्चन हमारे दिया है कि कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो उसने वो किया है रॉबर्ट हुक ने। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोविकांग होता है, क्या होता है दोस्तों, वो होता है मोनोसोम। ओके, मोनोसोम सबसे छोटा कोविकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि गॉल्जी गाय का सबसे प्रमुख कार्य होता है, यानी गॉल्जी गाय का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है दोस्तों, वो होता है ग्लाइकोसिडेशन। ओके, ग्लाइकोसिडेशन जो होता है गॉल्जी गाय का एक प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि पंचगत प्रणाली के अंतर्गत किस जगत में नील हरित शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों को रखा गया है, यानी जो पंचगत प्रणाली है दोस्तों, उसके अंतर्गत किस जगत में नील हरित शैवाल नाइट्रोजन इसी तरह जीवों को रखा गया, तो दोस्तों वो जगह रखा गया है मोनेरा जगत के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया से, जो क्वेश्चन है हमारे दिया है कि नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रीकारक जीवाणु है, नाइट्रीकारक जीवाणु कौन सा है दोस्तों, रासायन संश्लेषी जो है वो नाइट्रीकारक जीवाणु है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक जीवाणु किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों जो गंधक जीवाणु हैं वो रासायन संश्लेषी होते हैं, यानी कि रासायन संश्लेषी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को सर्वप्रथम देखा, यानी जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा, तो वो देखा है एंटोनी वान लिवेनहाग ने जीवाणु को सर्वप्रथम देखा। और सबसे बड़ा जीवाणु है दोस्तों कौन सा है, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जो है सबसे बड़ा जीवाणु है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि किस प्रजाति के जीवाणु सबसे छोटे होते हैं, तो होते हैं दोस्तों डायलिस्टर के जो जीवाणु होते हैं सबसे छोटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गोबर व कृषि अपशिष्टों के अवयवी पाचक द्वारा बायोगैस बनाने में उपयुक्त प्रजाति है, तो कौन सी प्रजाति है दोस्तों जिससे बायोगैस बनाया जाता है, वो है मिथे नॉर्वे
मिथेनो बैक्टीरियम जो प्रजाति है उसके द्वारा अपसादीय पाचन बायोगैस बनाने में उपयुक्त किया जाता है, मिथेनो बैक्टीरियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि एल्कोहल से सिरका का निर्माण होता है, किससे होता है दोस्तों? होता है एसीटोबैक्टर स्पीयर से एल्कोहल तथा सिरके का निर्माण होता है। ये जो बैक्टीरिया है हमारा, इसमें एल्कोहल तथा सिरका बनाने में सहायक होता है, एसीटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दूध खराब होता है, यानी दूध खराब कौन कौन सा जीवाणु करता है दोस्तों? वो करता है लैक्टोबैसिलस है, दूध को दही बना देता है। दूध खराब करने का कारण लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो दिया गया है कि नाइट्रोजन का नाइट्राइड में नाइट्रोजन गैस के रूप में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है विनाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रोजन का नाइट्राइड से नाइट्रोजन गैस में बदलना क्या कहलाता है? यानी नाइट्रोजन हो उसके बाद नाइट्राइड से नाइट्रोजन गैस में बदलना कहलाता है दोस्तों, विनाइट्रीकरण। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि अकार्बनिक एन आयन और NO3.NH4 धनायन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? अचलीकरण। ओके, अचलीकरण। इसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि सल्फर का जैविक ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है दोस्तों? सल्फर का जैविक ऑक्सीकरण होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है थायोबैसिलस के द्वारा सल्फर का जैविक ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तन करने वाला कौन सा जीव बैक्टीरिया है? तो वो है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने वाला जो जीवाणु है, नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाइट्रोजन आवश्यक घटक है किसका दोस्तों? वो प्रोटीन का। ओके, प्रोटीन का नाइट्रोजन एक आवश्यक घटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि एनाविना है, एनाविना क्या है दोस्तों? ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक एनाविना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? वो होती है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा इसके बाद में कि ऑक्सीजन निम्न में से किसके लिए हानिकारक होती है? ऑक्सीजन किसके लिए हानिकारक होती है दोस्तों? होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए जो है वो ऑक्सीजन हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि नाइट्रोजन चक्र में स्यूडोमोनास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है दोस्तों? वो विनाइट्रीकरण में स्यूडोमोनास जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है कि मृदा सूक्ष्म जीव किस तापक्रम पर अधिक सक्रिय रहते हैं? किस पर अधिक सक्रिय रहते हैं? तो दोस्तों वो रहते हैं 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक सक्रिय रहते हैं। इसकी कम और अधिक तापमान होने पर उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन 15 है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा तीव्र अपघटन हेतु पदार्थ का सीएन अनुपात होना चाहिए, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा तीव्र अपघटन हेतु पदार्थों में सीएन अनुपात यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों? वो होना चाहिए 30:40। ओके, 30:40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा कि लैग हीमोग्लाइबिन किसकी उपस्थिति होता है में होता है? लैग हीमोग्लाइबिन जो है किसकी उपस्थिति में होता है? वो होता है दलहनी फसलों में की जड़ों में की ग्रंथियों में, यानी दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों में होता है लैग हीमोग्लाइबिन। ओके, इसका दोस्तों हमारा जो आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।